जब कोई कहे कि उन्होंने पत्थर पर पैसा बहा दिया तो उसे कहिए कि जो अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है क्वेश्चन करना सीखिए। जो अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है वो पत्थर का ही बन रहा है कि सचमुच राम लड़ा पैदा हो जाएंगे, सचमुच आ जाएंगे। कुछ लोग कहते हैं कि ये पत्थर की मूर्ति क्या बोलेगी। पत्थर बोलता है, पत्थर का एक अपना गुण होता है। अभी उत्तर प्रदेश में हम जब ये बात बोलते हैं कि बहुजन नायक मानवर कांशीराम साहब की वजह से सामाजिक स्तर परिवर्तन स्थल बना है, वो 1,000 करोड़ रुपए का बना है, तो आपके दुश्मन लोग घूम घूम के पैर कहने लगे कि उत्तर प्रदेश के तो मुख्यमंत्री पानी पर पैसा बहा दे, चिल्लाने लगे और हमारे लोगों को समझाने लगे कि ये बताओ कि तुम्हारे मुख्यमंत्री तो पैसे पर रुपया बहा दिया, पत्थर पर रुपया बहा दिया, अच्छे से झोपड़ी तुम्हारी बन जाती तुम्हें फायदा होता। और हमारे लोग भी ऐसा सोचने लगे, ऐसा ही समझने लगे, क्योंकि पब्लिक को, समाज को जैसा समझाएंगे वैसा सोचती है। मैं कहता हूं पत्थर के इतिहास को जानू। मैं आप सबसे विनती करता हूं, जब कोई कहे कि उन्होंने पत्थर पर पैसा बहा दिया तो उसे कहिए कि जो अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है क्वेश्चन करना सीखिए। जो अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है वो पत्थर का ही बन रहा है कि सचमुच राम लड़ा पैदा हो जाएंगे, सचमुच आ जाएंगे। खुद प्रश्न करिए, जब सचमुच नहीं आ सकते तो पत्थर कहिए। फिर उसे बोले काशी में, आपके काशी में भोले बाबा का मंदिर है वो पत्थर का ही है। आप बोले मथुरा में क्या है, राधा कृष्ण का जो मंदिर है, जो मूर्ति है पत्थर का ही है। तो मुझे सवाल और करिए कि जब राम में अयोध्या में राम है, काशी में भोले बाबा है, मथुरा में राधा कृष्ण है, तो आखिर हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर आपको पत्थर क्यों दिखाई देते हैं? ये अंबेडकर साहब क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं? ये बाबा साहब अंबेडकर क्यों नहीं है? जब वो पत्थर के राम हो सकते हैं, पत्थर के राधा कृष्ण हो सकते हैं, पत्थर के शिव बाबा हो सकते हैं, तो आखिर हमारे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर क्यों नहीं हो सकते? क्वेश्चन करना पड़ेगा। दूसरी जो मैं कहता हूं मेरे साथियों कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, बुद्धा और हमारे महापुरुष, उनके लिए पत्थर हो सकते हैं, लेकिन हमारे लिए तो साहब वो कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है और ये इसीलिए ये जो कॉन्फ्रेंस होता है कोई नई बात नहीं होगी, बात होगी वही पुरानी बात, बात होगी वही हमारे महापुरुषों की, बात होगी उन्हीं के जीवन संघर्षों की। बस एक बात याद रखें, जब घर में खाना बनता है, रोटी सब्जी बनता है, हम लोग कहते खाना खा के आते हैं, जब चार लोग जुट जाते हैं कैसे नाम बदलता है, कैसे आंदोलन चलता है, कैसे विजन बदलता, सोचिएगा। जब घर में रोटी सब्जी बनती है खाना खा के आते हैं, जब चार लोग बैठ करके जब खाना खाते हैं कहते हैं पार्टी, जब 100-200 लोग जुट जाते हैं क्या उनके यहाँ भोज। खाना वही है, वही लोग हैं, लेकिन केवल व्यक्तियों के समूह जो जो बढ़ते जा रहे हैं उसका नामकरण बदलता जा रहा है। तो साहब हम कोई नई बात नहीं बोल रहे, हम अकेले बोलेंगे तो मुसाफिर बोल रहे हैं अकेले, लेकिन जब इतनी बड़ी आवाज बोलेगी, जब संघ बोलेगा, जब हम एक साथ बोलेंगे, एक आवाज बनेंगे, अंबेडकर की आवाज सबकी आवाज बनाएगी। ये जो कॉन्फ्रेंस का जो आप लोग सोचते कि क्या हो, हम रोज बोलते हैं, आज बोलने का मतलब है। इसलिए जितने मेरे साथी मेरे दोस्त आप लोगों का वाणी सुनेंगे, आज के
की जो वाणी होगी उस सबकी वाणी होगी, सबकी आवाज होगी। तो पहले दौर में हम आपको अंतिम स्पीच नहीं दे रहे हैं, ये केवल मेरा इंट्रोडक्शन था कि एक हम लोग किस विषय पर, किस लाइन पर, किस दिशा में चलेंगे। याद रखें, जिंदगी आपकी बड़ी लंबी नहीं होनी चाहिए, लेकिन सदैव सोचेगा कि आपका जिंदगी महान होना चाहिए। इस महानता के आप बैठे, जब इस बात को सोचना शुरू करेंगे तो जाकर के अपने जीवन का उद्देश्य होगा। और एक याद रखें, आपने जीवन में कितना लंबा दूरी चला कोई मतलब नहीं, आपने कितना लंबा जीवन जिया इसका कोई मतलब नहीं, आपने किस दिशा में चला है, कौन सी दिशा को पकड़ा है। और याद रखना, बात करती है कभी कभी व्हाट्सएप पर भी बात अच्छे होते हैं, लोग कहते हैं कि हम तो कुछ कर ही नहीं सकते, हम अकेले क्या कर सकते हैं। एक शायर ने बोला, एक शायर ने बात को बोला कि भटकते 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 मंजिल तो मिल ही जाएगी, भटकते भटकते मंजिल तो मिल ही जाएगी। और मैं कहता हूं कि और आगे जो बोलता है, जब मिशन की जब चर्चा होती है, लोग कहते हैं कि हम कुछ नहीं कर पाएंगे, तो हम कहते हैं कि बैठते बैठते तो मिशन ही समझ ही जाओगे। और एक बैठो तो सही, बैठते बैठते एक साथ बैठो, एक साथ सोचो, बैठते सोचते चलते चलते आप जो चाहते जीवन में वो कर ही लो, फिर बैठना तो सीखो। इसलिए मेरे साथियों, आप लोग जितने लोग बैठे हैं अभी, हमारे साथी भी बस से नहीं आ पाए, आप लोग बैठना सीखो। और जिंदगी में आप लोग बैठना सीख गए तो आप समझिए कि बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन को चलाना भी सीख। हम आपको नई बात नहीं बताने जा रहे, कुल बैठना ठान लो, मैं बैठूंगा और सोचूंगा। और जब आप सीखने की बड़ी कला होती है, केवल बैठिए और सुनिए। जब सुने, एक अच्छा सुनने वाला एक अच्छा श्रोता एक अच्छा स्पीकर होता है, एक अच्छा जो सुनने वाला होता है वो अच्छा स्पीकर होता है, साथ ही साथ समाज का नेतृत्व देने वाला होता है। और आप लोगों को मैं बताऊं, आप लोग सोचते हो कि व्यक्ति परिवर्तन लाता है, ऐसा नहीं है, ऐसा आपको लीडर बनना पड़ेगा, नेतृत्व देना पड़ेगा। जब नेतृत्व की बात मैं करता हूं तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि बुद्धिजीवी किसे कहें। आप लोग सोचते हैं कि नेतृत्व हमारे क्षमता है कि नहीं, आप आकलन कर लेना, आप समझ लेना। बुद्धिजीवी हम लोग सामान्य भाषा में बोलते क्या है कि जो पढ़ा लिखा है, एमएससी है, तो हम लोग कहते हैं ये बहुत बुद्धिजीवी है, हम लोग कहते हैं बहुत बुद्धिजीवी है। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा किसी पढ़ा लिखा को बुद्धिजीवी नहीं कहा, किसी डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर को भी बुद्धिजीवी नहीं कहा, किसी आईएएस आईपीएस को भी नहीं कहा, किसी वकील इंजीनियर को भी नहीं कहा। अब आप लोग का सवाल होगा कि आखिर बाबा साहब अम्बेडकर की नजरों में बुद्धिजीवी कौन था। तो बाबा साहब अम्बेडकर के नजरों में बुद्धिजीवी था, उन्होंने अपनी जो किताब लिखा संपूर्ण वांग में, तो पहले ही वांग में लिखते हैं कि बुद्धिजीवी तीन प्रकार का गुण रखने वाला है, वह दूरदर्शी हो, नेतृत्व क्षमता रखता हो और सलाह देने की क्षमता। तीन गुण, दूरदर्शी हो, नेतृत्व क्षमता हो और सलाह देने की क्षमता, तीन ही गुण। और बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं किसी भी देश की अधिकांश जनता क्रियाशील और विचारशील जीवन व्यतीत नहीं करती, किसी भी देश की, वह अपने बुद्धिजीवियों का अनुकरण और अनुगमन करती है। और बाबा साहब अम्बेडकर आगे कहते हैं किसी भी देश का संपूर्ण भविष्य उसके बुद्धिजीवियों पर निर्भर करता है, संपूर्ण भविष्य
किसी भी देश का। तो आज हमारे समाज का भविष्य, आज हमारे समाज का पूरा भविष्य आपके कंधे पर है। यदि आप महसूस करते हैं तब तो उनका देखभाल करेंगे। जैसे आप अपने बच्चे का देखभाल करते हैं, फीस देते हैं, कॉपी देते हैं, किताब देते हैं, स्कूल भेजते हैं, होमवर्क चेक करते हैं, उसी तरह से समाज के आप भविष्य निर्माता है। यदि हमारा समाज बुद्धिज्म को नहीं समझ पा रहा है, दोष मेरा है। यदि बाबा साहब अम्बेडकर को हमारा समाज नहीं समझ पा रहा है, दोष मेरा है। इसको यदि आप अपनी जिम्मेदारी को महसूस करेंगे तो हम लोग कुछ कर पाएंगे। इसलिए तीन प्रकार की जिम्मेदारी, व्यक्तिगत जिम्मेदारी, पारिवारिक जिम्मेदारी, सामाजिक जिम्मेदारी। हम लोगों ने व्यक्तिगत जिम्मेदारी निभाई, हम लोगों ने पारिवारिक जिम्मेदारी निभाई, लेकिन तीसरा मिसिंग है, सामाजिक जिम्मेदारी। सामाजिक जिम्मेदारी का निर्वहन करने के लिए आपको त्याग करना पड़ेगा। आज जिन महापुरुषों का नाम लेते हैं, बुद्ध का हो, फूले का हो, साहू का हो, कबीर का हो, अम्बेडकर का हो, मानवर का हो, इन लोगों ने व्यक्तिगत क्या खोया, क्या पाया, हमसे क्या लेना था, इनका परिवार अच्छा रहा नहीं रहा क्या मतलब है। लेकिन इनके जो सामाजिक कार्य है उसी का हम लोग चिंतन करते हैं। इसलिए सामान्य व्यक्ति और बुद्धिजीवी में अंतर क्या होता है। एक सामान्य व्यक्ति तीन नंबर से चलता है, व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक, किया नहीं किया मर गया। और महापुरुष सामाजिक पहले नंबर पर, परिवार गया समाप्त हो गया कोई लेना देना नहीं, व्यक्तिगत जीवन में कितना जिए कितना पाए उसे कोई लेना देना नहीं, तब जाकर के हम लोग याद रखना। यदि इस हाल में हम लोग बैठे हैं, आज आपके तन पर कोई कपड़ा है नहीं, तो आपको पता है ना, हमारी महिलाओं को ब्लाउज पहनने का अधिकार नहीं था। कोई इतने समझिए, इतना अपना अंदाजा लगाइए, हमारी महिलाओं को ब्लाउज पहनने का अधिकार नहीं था। और हमारे लोगों को लोग कहते हैं बाबा साहब ने क्या दिया, अरे आपको दिया होगा पढ़ लिख करके अफसर बन गए तो आपको दिया होगा, हमको क्या दिया। मैं कहता हूं आपको ब्लाउज पहनने का अधिकार नहीं, यदि गलत है तो बोल दो कि जो नहीं देना चाहिए। ब्लाउज पहनने का अधिकार दिया। और हमारे पुरुष भाई को कुल उघार रहता था, खाली लंगोटा टाइप का पहन रहता था, भगई जिसको कहते हैं भोजपुरी, यही पहनने का अधिकार था। आज जब आप खड़े हैं, याद रखें, किसी ने अपने लाश को यहां पर बिछाया, उसके लाश पर बैठे, उसके लाश पर खड़े। यदि आप एक रोटी पाते हैं, एक रोटी खाते हो, ये समझो कि किसी ने अपनी लाश को बिछाया, अपनी कुर्बानियां दिया है, ताकि हम लोग इतने सम्मानजनक जिंदगी जीवन जी रहे। इसलिए मेरे साथ में आपसे अंतिम बात करते हुए, अनुरोध करते हुए वाणी को विराम देने जा रहा हूं। पेट का आंदोलन केवल मत चला, सम्मान का आंदोलन चला। क्योंकि जब बाबा साहब अम्बेडकर आपके नेपाल में भाषण कर रहे थे, तो उन्होंने कहा एक काल मार्क्स था, एक बुद्धा थे, जिस भूमि पर है बुद्धा की भूमि, एक काल मार्क्स थे जो रोटी कपड़ा मकान तक सीमित रहते थे, एक बुद्धा थे जो सम्मान का आंदोलन चला। काल मार्क्स का आंदोलन को पेड़ तक था, रोटी कपड़ा मकान तक था, लेकिन बुद्ध का आंदोलन नाम का था। एक नहीं शरीर के दो, आप कह दीजिए पेट का सवाल है, अगला समझ जाएगा भूखा है। ये कहीं शरीर के दो अंग, अगला समझ जाता है पेट का सवाल है। ना भी इशारा करे तब भी पेट का सवाल है बाबू, समझ जाता है भूखा है, इसको रोटी चाहिए। और वही व्यक्ति कह दे कि बाबू नाक का सवाल है, नाक का सवाल, जो ही आपको कहा कि नाक का सवाल है, आप उसको सम्मान स्वाभिमान के नजर से देखने लगते हैं। क्या हुआ, मतलब कि नाम का मतलब सम्मान का मामला है। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, और आपसे मैं कहता हूं, बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने लोगों को ललकारते हुए कहा, तो
तुम्हारा पेट भरे या ना भरे, तुम्हारा तो खाली पेट रहना, भूखे रहना, भूखे मर जाना, यहां तक ये बात आ गई। क्योंकि बात आती है तो बहुत सारी बातें झूलने लगती है। गाड़ी के बाद फिर आ जाती है, गाड़गे ने अपने लोगों को समझाने के लिए बहुत तकलीफ झेलते थे। जब लोग जाते थे कहीं पानी नहीं पीने को मिलता था अस्पृश्यता की वजह से, तो जाते थे बल्टी छू देते थे। जब उन्हें लोग मारने लगते थे तो लोग कहते थे कि ये पगला गया है। तो जब और जब नजदीक जाते थे, मैं जानते हूँ कि जब मैं मार खाता हूँ तो हमारे लोग को जो दर्द होता है तो वो महसूस करने लगते हैं कि उनको मारा ही है। तब उनको समझा, मार खा के चोट खा कर वो समझा देते कि देखो मेरे को खून बह रहा है, हमने कोई गलती नहीं किया, लेकिन अस्पृश्यता की वजह मुझे मार पड़ी है। तब हमारे लोगों ने समझना शुरू किया, इतना महापुरुषों ने दर्द झेला है, इतना कष्ट झेला है, तब जाकर के हम लोग यहाँ पर इतने सम्मान के साथ बैठे हैं, उसकी चर्चा चल रही है। तो गाड़गे बाबा के प्रसंग आता है कि पंक्ति में भोज खा रहे थे लोग, कुछ अस्पृश्य भाई अपने लोग बैठ गए, इसको लात लात से मारने लगे लोग, लात से मार करके मनवाती लोग जिसको ब्राह्मण कहते हैं हिंदू कहते हैं मार के भगाने लगे। तो इनको देखा नहीं गया, तो गाड़गे ने एक बात कहा, अरे पेट में कांटे डाल लो, लेकिन इस बेशर्मी से खाना क्यों खा रहे, पेट में कांटा डाल लो, मर क्यों नहीं जाते, लेकिन इस बेशर्मी जला लो जिंदगी को क्यों जी रहे, इतना तक उन्होंने कहा। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज़ टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।